तो जैसे कि हमने बात की थी कि सैमसंग जो है गैलेक्सी S24 सीरीज में न्यू M13 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देने वाला है और ये डिस्प्ले की काफी ज्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है। इवन के M13 डिस्प्ले जो है एप्पल के अपकमिंग आईफोन 15 सीरीज से भी काफी ज्यादा जो है एडवांस है, क्योंकि एप्पल जो है आईफोन 15 सीरीज में जो है M12 डिस्प्ले जो है वो यूज करने वाला है, जबकि आपको जो है S24 सीरीज में M13 डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं M13 डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, तो ये डिस्प्ले जो है 2800 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल की ब्राइटनेस है। लेकिन सैमसंग जो है गैलेक्सी S24 सीरीज में 2800 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि 2800 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो हो सकता है कि सैमसंग जो है गैलेक्सी S24 सीरीज में 2500 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो प्रोवाइड करे, और ये एक स्मार्टफोन के लिए जो है इनफ ब्राइटनेस है। तो देखते हैं सैमसंग जो है कितनी ब्राइटनेस जो है वो प्रोवाइड करता है गैलेक्सी S24 सीरीज में। और अब बात करते हैं One UI 6 की, तो कुछ टाइम पहले जो है सैमसंग ने One UI 6 का Beta 1 जो है वो रिलीज किया था, और इसमें जो है सैमसंग ने काफी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन One UI 6 Beta 1 में जो है आपको एनिमेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। और अभी जो है सैमसंग रिलीज करने वाला है One UI 6 का Beta 2, और इसमें जो है आपको न्यू इम्प्रूव एनिमेशन जो है वो देखने को मिलने वाली है। और आने वाले कुछ डेज में जो है सैमसंग One UI 6 का Beta 2 जो है वो रोल आउट कर देगा, और हो सकता है गैलेक्सी S23 सीरीज के साथ गैलेक्सी S22 सीरीज में भी आपको One UI 6 का Beta जो है वो देखने को मिल जाए। तो देखते हैं सैमसंग कितनी इम्प्रूवमेंट करता है One UI 6 Beta 2 में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।